हेलो दोस्तों, आप लोग का एसडी टेक में स्वागत है। जैसा कि आप लोग का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का क्लास 7th, 8th, 9th, 10th सबको दे रहा था मोस्ट रिपीटेड, अब वही पेपर में आएगा ये फुल गारंटी नहीं, बट उसके अंदर से मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन था, तो आप लोग को भी दे रहा हूँ साइंस का। अगर सेकंड सेमेस्टर में अच्छा खासा स्कोरिंग करना चाहते हो तो जो क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ उसको अच्छी तरीके से आप लोग कर लेना। 110% मैं गारंटी लेता हूँ आप लोग का बहुत अच्छा स्कोरिंग हो जाए। जिसका कुछ भी नहीं हुआ वो तो 110% इसको करके जाना चाहिए। सबसे पहले आ जाते हैं हम लोग क्लास 6 का है, ध्यान से सुना, क्लास 6 का साइंस का है। आप लोगों का पूरा पूरा लेसन मैं बताता हूँ कौन सा कितने लेसन से आने वाला, क्योंकि आप लोगों का सेकंड सेमेस्टर जो एग्ज़ाम है आप लोगों का चालू होने वाला। देखो 16 लेसन है, तो मतलब आप लोगों का 8 लेसन आ चुका, 9वें लेसन से मोशन एंड टाइप्स ऑफ द मोशन से आप लोगों का एग्जाम में आने वाला। तो 9वें लेसन पे हम लोग फटाफट आ जाते हैं 9वां लेसन, और 9वें लेसन से आने के बाद आप लोग को एक एक करके बताता हूँ, ध्यान से देखते रहना। 110% ये चीज़ करके गए मेरे भाई, तो 110% मैं गारंटी लेता हूँ आप लोग को बहुत अच्छा स्कोरिंग हो जाएगा। सबसे पहले आप लोग कहाँ पर आ जाए, देखो ये 6वां चैप्टर, उसके बाद और आगे आ जाते हैं हम लोग। तो दोस्तों यहाँ पे देखोगे आप लोग 9वां जो चैप्टर पे हम लोग आ जाते हैं, 9वें चैप्टर से ही आप लोग को आने वाला है। तो यहाँ पे देखो मोशन एंड टाइप्स ऑफ द मोशन सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस इस चैप्टर से जो बोलूंगा उसको ध्यान से सुन लेना। टाइप्स ऑफ द मोशन है और एक्सरसाइज से ही आप लोगों को आता है, और अंदर से तो आता नहीं, ध्यान से देखना। एक्सरसाइज से सबसे पहले आप लोगों को करना क्या चाहिए वो ध्यान से देखते रहना, एक भी पॉइंट मिस मत करना। सबसे पहले पहला क्वेश्चन अच्छी तरीके से, क्वेश्चन नंबर दूसरा, फिलिंग द ब्लैंक्स, मैच द कॉलम, ट्रू फॉल्स, ऑड मैन आउट, कोरिलेशन, ये सब आप लोग को पूरा पूरा टोटल करना रहेगा, ध्यान से सुना। और उसके बाद आप लोग को यहाँ पे देखो उसके तो डिफरेंट यहाँ पे दिया गया है, इसमें से कौन कौन सा करना चाहिए। देखो इसमें से आप लोगों को सबसे पहले ये लीनियर मोशन और रैंडम जो दिया गया इसको आप लोग को, इसमें दो क्वेश्चन याद कर लो आप लोगों को याद हो जाएगा, दो ये पहला दूसरा अच्छी तरीके से याद करके रख लेना। उसके बाद यहाँ से देखो इसमें से आप लोग को वर्ड में आप लोग को सिंपल सा वन एग्जाम्पल लिखना है, तो सिंपल सा आप लोग इसमें से लीनियर मोशन का और एक सर्कुलर मोशन का याद कर लेना जो चीज़ बता रहा हूँ, और उसके पीरियोडिक मोशन, ये तीनों अच्छी तरीके से कर लो। और इसमें से आप लोग को कौन सा करना चाहिए, देखो सबसे पहले आप लोग को इसमें से एक क्वेश्चन ए वाला पहला करके रख लो, बस आप लोग का काम खत्म हो जाएगा। इस तरीके से आप लोग का हो गया। उसके बाद आ जाते हैं हम लोग 10वें लेसन पे। 10वें लेसन में फोर्स एंड टाइप्स ऑफ द फोर्स दिया गया, इसमें से क्या करना रहेगा ध्यान से देखना, एक भी पॉइंट मिस मत करना मेरे भाई, जितना क्वेश्चन बोल रहा हूँ उसको करके ही जाना। फटाफट आ जाते देखो एक्सरसाइज से, देखो इसमें दो चीज़ है, फिलिंग द ब्लैंक्स और मैच द कॉलम, फिलिंग द ब्लैंक्स और मैच द कॉलम अच्छी तरीके से करना है। उसके बाद तीसरे वाले में आप लोगों को फिर से करना है, आप लोग को छोटा छोटा दिया गया। उसके बाद यहाँ पर देखो ऑन वर्ड में आप लोगों को लिखना है इसको, देखो वर्ड को एग्जाम्पल ऑन वर्ड में लिखना है इसको आप लोग को थोड़ा सा। देखो इसमें से कौन कौन सा करना चाहिए, मस्कुलर फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, और यहाँ पर एक दिया गया है, देखो एक कहाँ गया, ये कहाँ गया, इलेक्ट्रिकल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इसको तीन करके रखो। उसके बाद इसमें से कौन सा करना चाहिए, देखो इसमें से आप लोग को एक ए वाला करना चाहिए, पहला वाला अच्छी तरीके से करना चाहिए, और एक आप लोग को इसमें से ए वाला करना चाहिए, सी वाला याद रखना है, दोनों क्वेश्चन अच्छी तरीके से आप लोग को करके रखना रहेगा। और यहाँ पे देखो डिफरेंट बिटवीन दिया गया, डिफरेंट बिटवीन इसमें से दोनों आप लोग अच्छी तरीके से कितना पॉइंट, दो दो पॉइंट याद करके रख लेना, आप लोगों को खत्म हो जाएगा। उसके बाद और आगे आ जाते हैं हम लोग, क्या करना चाहिए यहाँ पे देखो इसमें से, व्हाट इज द मेंड बाय, देखो इसमें से दूसरा सबसे ज्यादा दूसरा इंपॉर्टेंस है, उसके बाद आप लोग को और करना रहेगा तो तीसरा कर लो, बी और सी अच्छी तरीके से करके रखना, और बाकी तो कुछ भी नहीं करोगे तो भी चलेगा मेरे भाई, हो गया चैप्टर भी। अब आ जाता है 11वां लेसन, 11वां लेसन में से आप लोग को क्या करना चाहिए ध्यान से देखना एकदम पॉइंट को, इसमें से मोस्ट इम्पोर्टेंस, देखो जो क्वेश्चन दे रहा हूँ मोस्ट इम्पोर्टेंस है, मोस्ट रिपीटेड। देखो फिलिंग द ब्लैंक्स आप लोग को अच्छी तरीके से करना है, उसके बाद आप लोग को और आगे आ जाओगे तो यहाँ पे देखो मैच द कॉलम करना है, ये दोनों अच्छी तरीके, देखो जो सुनेगा नहीं मेरे भाई तो तकलीफ हो सकता है, इसके लिए सुन के भी समझो जो चीज़ मैं आप लोग को बता रहा हूँ। अब यहाँ कैन यू टेल दिया गया, इसमें से कौन सा करना चाहिए, देखो सबसे पहले आप लोग को इसमें से एक करना चाहिए यहाँ पर, देखो इसमें से क्वेश्चन सबसे पहले एक, व्हाट इज़ द ग्रीन एनर्जी, इसको करके रखो,
ए वाला करके रखो, एक ए करके तीन हो गया और एक चौथा यहाँ पे। ये चार क्वेश्चन अच्छी तरीके से आप लोग को करना चाहिए, याद रखना चार क्वेश्चन। कौन कौन सा ध्यान से सुनना, एक ए वाला पहला, ए सी डी सी ई और यफ, और इसके बाद जी, और करना रहेगा तो एक ए वाला करो। इतना क्वेश्चन अच्छी तरीके से आप लोग को करना रहेगा। ऑड मैन आउट आप लोग को अच्छी तरीके से करना है मेरे भाई, ऑड मैन आउट क्वेश्चन पहला अच्छी तरीके से इस तरीके से करना है। उसके बाद आ जाते हैं बारहवें लेसन पे, बारहवें लेसन से क्या करना चाहिए उसको ध्यान से देखना मेरे भाई। और चैनल पे फर्स्ट टाइम रहोगे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो मेरे भाई, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, हर चीज़ आएगा। देखो अभी इसमें से क्वेश्चन नंबर आप लोग को पहला अच्छी तरीके से करना चाहिए, क्लासीफाई करना है आप लोग को, क्लासीफाई और फिलिंग द ब्लैंक्स है इसको करना ही आप लोग को। उसके बाद और आगे आ जाते हैं, यहाँ पे देखो यूजेस दिया गया है, विच मशीन विल यू यूज आर दिस फॉलोइंग द वर्क, कहाँ पर यूज होता है, थोड़ा सा इसको पढ़ के रख लेना मेरे भाई, थोड़ा थोड़ा पढ़ के रख लोगे तो भी चलेगा। बट यहाँ पर देखो राइट दिस आंसर दिस फॉलोइंग द क्वेश्चन इन ऑन वर्ड में, तो देखो इसमें से बहुत छोटा छोटा मेरे भाई है ये सब, तीनों याद रखना, तीनों क्वेश्चन अच्छी तरीके से आप लोग को आना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर देखो एक ए भी है इसको, और इसमें से एक ए वाला कर लो, बात खत्म हो जाएगा मेरे भाई, बस हो गया ये सब क्वेश्चंस। और उसके बाद कुछ नहीं करो तो भी चलेगा मेरे भाई। अब इसमें साउंड में से सबसे पहले आएगा आप लोग को यहाँ पर हाउ टू साउंड प्रोड्यूस, इस तरीके से आप लोगों को पेपर में पूछा जा सकता है हाउ टू प्रोड्यूस साउंड। उसको देखो यहाँ पर आप लोगों को सबसे पहले आप लोगों को कौन सा करना चाहिए, देखो क्वेश्चन नंबर पहला अच्छी तरीके से, क्वेश्चन नंबर दूसरे में अच्छी तरीके से, कौन कौन सा देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड में आप लोगों को दोनों अच्छी तरीके से करना चाहिए। इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस सेकेंड वाला है, सेकेंड वाला अच्छी तरीके से करो। क्वेश्चन नंबर थर्ड का आप लोग को इसमें से कौन सा करना चाहिए, सबसे पहले एक ए करके रखो, एक नॉइस वाला करके रखो और ए वाला, तीन क्वेश्चन इसमें से, और ए वाला और ए वाला सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस है याद रखना जितना बताएं मेरे भाई। बस हो गया ये भी चैप्टर क्लियर। चौदहवें लेसन से क्या क्या करना चाहिए उसको ध्यान से देखना। चौदहवें लेसन से मोस्ट इम्पोर्टेंट सबसे ज़्यादा मतलब छोटा छोटा क्वेश्चन पूछता ना कि बड़ा पूछता, जितना मैं बता दे रहा हूँ उतना अगर करके गए तो लोगों का पूरा क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले आप लोग को यहाँ पर देखो एक क्वेश्चन ये करना चाहिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड को करना चाहिए। उसके बाद और आगे आ जाते हैं, यहाँ पे देखो एक क्वेश्चन यहाँ पर ए, और आप लोग को इसमें से ए वाला दूसरा अच्छी तरीके से करके रखना। अगर करना रहेगा तो पहला भी कर सकते हो, बट ये दो क्वेश्चन अच्छी तरीके से आप लोग को करना रहेगा। उसके बाद आप लोग को यहाँ पे देखो दिया गया है ल्यूमिनियस और नॉन ल्यूमिनियस प्रकाश और ना प्रकाश जो होता है उसको अच्छी तरीके से एक बार पढ़ लेना। आ जाता है पंद्रहवां लेसन फन और मैग्नेट का दिया गया, बहुत इजी चैप्टर मेरे भाई है, उसको अच्छे तरीके से समझ के ले लेना क्या चीज़ होता है। हाउ मेनी टाइम्स द मैग्नेट आ सकता है पेपर में, याद रखना हाउ मेनी टाइम्स द मैग्नेट, तो उसको मैग्नेट हाउ टू प्रोड्यूस मैग्नेट आ सकता है। बट यहाँ पे देखो जो क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ उसको अच्छी तरीके से कर करो, ये फील्ड वाला अच्छी तरीके से करो, और यहाँ से दो क्वेश्चन अच्छी तरीके से करो, और विच मैग्नेट विल यू यूज दिया गया है इसमें देखो एक एक करो। उसके बाद यहाँ पर विंडो वाला देखो अच्छी तरीके से कर लो उसे, तो और आगे आ जाते हैं हम लोग क्या करना चाहिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड को अच्छी तरीके से करना चाहिए फिलिंग द ब्लैंक्स है। और यहाँ पे देखो जो मैं आप लोगों से बोला क्वेश्चन, देखो दो क्वेश्चन अच्छी तरीके से आप लोग को करके रखना पड़ेगा, याद रखना दो क्वेश्चन अच्छी तरीके से। उसके बाद लास्ट जो चैप्टर है आप लोगों यूनिवर्स आप लोगों को 16वां लेसन, तो 16वें लेसन में से एक आप लोगों को क्या कौन सा करना चाहिए, देखो मोस्ट इम्पोर्टेंस है मेरे भाई, बहुत इंपॉर्टेंस जो क्वेश्चन दे रहा हूँ उसको अगर करके गए तो इसके बाहर से कोई क्वेश्चन आएगा नहीं। सबसे पहले ये क्वेश्चन को अच्छे तरीके से आप लोग को पूरा कवर करना चाहिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड को अच्छी तरीके से कवर करना चाहिए, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ तो हो जाएगा अच्छी तरीके से। अब देखो यहाँ पर बहुत सारा क्वेश्चन दिया गया है, इसमें से क्या क्या कर, एक एक अक्षर का मेरे भाई याद रखना, एक एक अक्षर का है याद कर लेना, बहुत इजी क्वेश्चन हैं ये सब, देखो वो करना रहेगा। बट यहाँ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन में इतना सारा दिया है सर क्या करूँ, सबसे पहले देखो ए इसमें से दूसरा चौथा, और यहाँ पे डिफरेंट बिटवीन दिया गया है, और उसके बाद आप लोग को कौन सा करना चाहिए पहला अच्छी तरीके से कर लेना चाहिए। बस मेरे भाई इतना करके रख रहे हो तो चलेगा, बट अगर और करना चाहते तो इसको एक एक पॉइंट देख लेना,
इतना क्वेश्चन अगर कर ले रहे हो तो आप लोग का पूरा पूरा जो चैप्टर था वो क्लियर हो गया मेरे भाई। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा आप लोग कमेंट करिए, जितना हो सकता वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीके से किसी ना किसी सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर। अगर आप लोग को कोई भी सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए क्लास सिक्स के रिलेटेड तो आप लोग बस कमेंट करना, सर इस सब्जेक्ट का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पेपर में आने के फुल चांसेस है वो क्वेश्चन लेकर आइए। तो बस आपको ये बोलूँगा चैनल को सब्सक्राइब करके रख लूँगा।